तूफान आ रहा है, तूफान। अरे बाप रे, ये तो तूफान आ गया भाई, अचानक घर के ऊपर भी पानी आ गया, घर के ऊपर पानी आ गया। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो, देख सकते हो हम लोग का कितना काम निकल गया, बहुत ही ज़्यादा काम निकल गया। और इतना तूफान आया क्या बताऊँ, डर भी लग रहा था बहुत ज़्यादा, और घर के अंदर भी पानी आ गया। देखो इतना हवा चल रहा था और सबको डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो अभी तो इतना काम निकल गया, तो पूरा काम तो करना है। तो देख सकते हो मैं यहाँ पे बरेंदा है ना, तो बरेंदा में पूरा पानी आ गया, तो इसको पहले साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं पूरा आंगन तरफ भी साफ़ कर लूँगी। उसके बाद बहुत सारा काम है फ्रेंड, इतना काम हवा के वजह से, बारिश के वजह से निकल गया ना, पूछो मत। देखो तो घर के सामने इतना गंदा हो गया, पाता होता गिर गया, गंदा गंदा हो गया चारों तरफ से। और अभी मैंने टेंकी भी साफ़ करना है, और टेंकी का पानी मतलब निकाल के पहले ही ये सारा आंगन को मैंने साफ़ कर लूँगी, उसके बाद टेंकी भी साफ़ करना है। तो देख सकते हो मैं पूरा अच्छे से पानी से धो लूँगी, और पूरा बहुत बहुत गंदा दिख रहा है पूरा आंगन। मैंने पूरा झाड़ू लगाने के बाद, साफ़ करने के बाद ही मैं देख सकती हूँ मैं कहाँ जाऊँगी अभी, तो आप लोग को देखते ही चलेंगे। और देखिएगा वीडियो पूरा कितना काम निकल गया, देखिए टेंकी का ढक्कन इतना हवा आया तो गिर गया था, और देखिए साइड में और पूरा टेंकी में गंदा हो गया, पानी भी नहीं है नीचे देखना है पानी। अभी रूपेश देखो टेंकी में डर लग रहा है रूपेश को। रूपेश डर लग रहा है क्यों? तो फ्रेंड देखो, पहले पहले डर लग रहा था, अभी बोले डर नहीं लग रहा है। और इसको साफ करना है अच्छे से, पूरा गंदा दिख रहा अंदर बहुत ज्यादा, तो इसको साफ कर लेती है। देखो बहुत गंदा है और नीचे, और रूपेश को मैं अभी काम में लगा दिया। अब पानी आने वाला है, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर बाद, 10 मिनट बाद। तो पहले साफ कर लेते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। ये रूपेश कर रहा है देख सकते हो, और रूपेश को पहले बहुत डर लग रहा था कि मम्मी इसके अंदर कैसे चढ़ूँ क्या करूँ, अभी डर नहीं लग रहा है, अभी बोल रहे मम्मी ठीक है अभी साफ कर रहे। देखो पानी है, पानी को निकालना है अच्छे से, साफ करना पूरे कपड़े से, क्योंकि इसी पानी से हम लोग मुँह धोते हैं, तो मुँह में डालते हैं तो गंदा दिखने से अच्छा नहीं लगता है। रूपेश को नहीं दिख रहा है देखो कपड़ा लगेगा ना, हाँ एक कपड़ा लगेगा ना कपड़ा। और ये देखो रूपेश का मुर्गी ऐसे करके रखा है, पानी गिरा तो इसलिए अंदर में रख दिया था, और मैं यहाँ बाहर रख दी हूँ सबके ऊपर। अब इसको छोड़ देगी मुर्गी को, नीचे में रियू है, रियू टैंकी से पानी निकल रहा है, टैंकी में थोड़ा बहुत पानी है और जा रहा है नीचे, और रियू क्या कर रहे हैं देखेंगे जाके। हंसी तो बहुत आ रही है क्योंकि थोड़ा सा पानी है, हम लोग साफ करने लगी हो, रियू को पता नहीं, तो जाके नीचे देखेंगे रियू क्या कर रही है। अच्छे से करना पापा, एकदम लाल हो गया पानी, बहुत गंदा दिख रहा है, और पूरा अच्छे से साफ करके पूरा पानी को निकाल के फेंक देंगे, और अच्छा पानी भर जाएगा तो अच्छा होगा। आप ढक के रख देंगे ठीक है, ढक्कन से। चलो पापा जल्दी जल्दी पापा पानी आ जाएंगे।
फाइनली शैम्पू से और साफ कर लिया और अच्छे से पूरी तरीके से पूरा क्लीन कर लिया, देख सकते हो। नहीं टूटेगा, वाह हो गया टैंकी साफ। बहुत दिन से हम लोग सोच रही हूँ टैंकी साफ करना है, तो आज फाइनली टैंकी साफ हो गया, रूपिश कर दिया पूरा अच्छे तरीके से। अभी पानी भी आ जाएंगे तो ढक्कन से ढक दो पापा, और वो ईटे अच्छे से लगा दो, बाहर मत करो, रहने दो, हो गया। वो ढक्कन है, ढक्कन लेके आ रूपेश, ढक्कन लेके आ, ढक्कन से लगा दे और ईटा से अच्छे से दबा दे, क्योंकि फिर सवाने से ना फिर गिर जाएगा, चले जाएगा टैंकी का ढक्कन, फिर गंदा हो जाएगा। ओ ईटा लेके आ, उसे इधर आ, ईटा बोड़ा भी लगा देना चाहिए, मत दे वो वाला, वो बाबा बहुत गंदा है, वो मत दे, बस अभी रहने दे इतना, हम कर देंगे अच्छे से पानी। उसको मत रख, उसको रखने से ही तो गड़बड़, अरे मत रखो, ऐसे रख, हाय हाँ ऐसे ही रख, बस हो गया, ऐसे ही रख, नहीं ढुकेगा, ऐसा रहने दे, अभी अच्छे से साफ करना पड़ रहा है। और अभी देखो मौसम एकदम क्लियर हो गया, दोपहर के टाइम इतना बारिश हो, इतना बाप रे, जैसे अभी हवा चल रहा था बहुत ज़्यादा और बारिश भी बहुत तेज थी, अभी देखो एकदम मौसम साफ हो गया, लेकिन काम बढ़ा दिया बहुत, जो कि यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में।